हमारे भगवान देवी देवता विराजमान है। सही, दरियाबंद चलते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे शिवलिंग निकले हैं, पता है? दरियाबंद किधर से बन दिख रहा है ना, बहुत दूर से वाइफ वाला, बस की पैरी नदी है जो हरपा पैरी घर वाला जो गाना चलता है ना, उड़ीस वाला। तो तैयार है सब, हमारे वीडियो देख रहे हैं भाई साहब, सबको आशीर्वाद देना। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया था मस मेरा। कहाँ था यार? अरे बढ़िया, ये चैनल सब्सक्राइब कर देगी। हाँ हाँ भैया, दस सीजी हेल राइडर कर दीजिएगा। अच्छा, दस सीजी हेल। हाँ हाँ अभी, हाँ आएगा ना, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आओगे सर। मालो इसके बाद व्लॉग की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपके भाई का जाने का मन है कहीं दूर, तो फिर निकलेंगे, भले टाइम हो गया अभी। क्या चीज़? कैमरा भी है तो पुराना वाला है, 20 फीट पड़ा था, नहीं नया ही लिया था। अच्छा, हाँ 810 का कर दो। 810, हाँ देखो देखो देखो, अच्छा कट हो जाएगा, ठीक ठीक। हाँ। नहीं फुल मत करो, हो गया बस, ज़्यादा मत डालो क्योंकि लंबा जाने वालों ने। कुछ ज़्यादा ही खुश होगा आज मेरा भाई इधर। यार मैं कल डलवाया था 200 का और गाड़ी में था एक कांटा, यानी कि 300 का डाला रहा होगा, 8, 9, 10, 11। ज़्यादा बड़ी टंकी नहीं है इसकी भाई, देखते हैं आज कितना दूर तक जाता है गाड़ी। ओके तो लेट्स गो, पता नहीं यार कहाँ जाने वाला हूँ, बट जस्ट निकल रहा हूँ। टैंक फुल हो गया, अब तो जहाँ मन करे वहाँ जाऊँगा। चलो, इतनी ट्रैफिक क्यों होती है भाई, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। बस पेड़ी नाका फाइनली पहुँच गया भाई, लेकिन मेरे को तो राइट लेना है। ओहो भाई, कान फट जाएंगे मेरे। हाँ भैया, ये ट्रक वाला पागल हो जाएगा भाई, बस वाला। इधर से अपन चलेंगे, दरियाबंद का रूट है आगे, इधर से राइट। चलो दरियाबंद चलते हैं, वहाँ भूतेश्वर करके बहुत ही अच्छी जगह है भाई, जहाँ पे बोला जाता है कि शिवलिंग शंकर भगवान जी का निकला हुआ है। मतलब बहुत साल हो गया, वहाँ मैं बचपन से जाता आ रहा हूँ, देखा हूँ कि मतलब वो शिवलिंग ना हर समय बड़ा होते जा रहा है, हमेशा ऐसा बोला जाता है, और बहुत ही ज़्यादा मान्यता है वहाँ की। तो चलो वहीं चलते हैं आज, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे शिवलिंग निकले हुए हैं पता है। तो चलो पहले सीधा दरियाबंद पहुंचता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि वो हमारे छत्तीसगढ़ में और कैसी कैसी जगह है भाई। दरियाबंद आपका 63 किलोमीटर। ओके टाइम हो रहा है अभी 1:21, तो चलो। तो भाई साहब अपन राजीव में है, अरे यार राजीव पहुंच गया, बहुत जल्दी पहुंच गया। तो फिर राजीव में ना यहाँ महाशिवरात्रि के टाइम ना बहुत ही बड़ा मेला लगता है भाई राजीव में, मेरे पता नहीं कितने दिन का लगता है, लेकिन आई थिंक 10 दिन का तो लगता ही है। वहाँ बहुत ही अच्छा माहौल रहता है भाई साहब, हम राजीव मेला जब लगेगा ना जरूर आएंगे, पक्का बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं भाई राजीव मेला आने के लिए। फिर किधर जाना है भाई, दरियाबंद किधर से बन? दरियाबंद सीधा ना, ठीक भाई ओके, जरूर आऊँगा मैं, ज़रूर आऊँगा जब भी अपना राजीव मेला जब स्टार्ट होगा ना, तब आके दिखाता हूँ मैं। फिलहाल तो अपन दरियाबंद चल रहे हैं, चलो वहीं चलते हैं। भाई सुअर लोग बहुत गंदे होते हैं यार, अभी सुअर के चक्कर में मैं थोड़ा सा, मैं फ्रेंड चला रहा था, हम लोग थोड़ा ठुका गए थे, बहुत गंदे थे। तो भाई साहब अब बहुत ही अच्छा वाला नज़ारा देखने को मिलने वाला है भाई। ओ भाई साहब, ओह इतना बढ़िया लग रहा है यार। हाय ये जो राजीव मेला जो बोर्ड हो ना, ये एकदम यहाँ बीच में होता है, बीच में पूरा, मतलब बहुत सारा क्या बोलते हैं सामान वामान सब जो बेचते हैं ना, पूरा बीच मेला में लगता है, इतना खूबसूरत है। ये हमारा छत्तीसगढ़ है भाई साहब, ओ वाओ। जब राजीव मेला जब लगेगा ना, मैं पक्का आऊँगा भाई, पक्का आऊँगा, कुछ भी हो जाए। इतनी ज़्यादा भीड़ रहेगी ना यहाँ की, देखो यहाँ मतलब पूरा आदमी लोग चीटी टाइप दिखते हैं। फिर वो जो मंदिर दिख रहा है ना बहुत दूर से वाइट वाला, बस वहाँ पे बहुत अच्छे से माहौल रहेगा, बहुत बढ़िया भाई। भैया दरियाबंद कटी रहा, दरियाबंद सीधा ना, हाँ धन्यवाद भैया।
गया तो हूँ भाई गरियाबंद, लेकिन थोड़ा सा रास्ता भूल रहा हूँ मैं। इधर से वैसा ज़्यादा दूर नहीं है। वाओ कितना मस्त लग रहा है भाई। बस यहाँ पानी की कमी है, नदी में पानी आता है लेकिन बीच टाइम सूख जाता है, बीच बीच में भरा है ना वैसे पानी। देख लो भाई साहब, यह हमारी छत्तीसगढ़ की पैरी नदी है, जो हरपा पैरी खार वाला जो गाना चलता है ना उड़ीस वाला, इतना मस्त लग रहा है यार। हमारे अंकल जी नहा रहे हैं मस्त एकदम, पानी कोई कमी नहीं है भाई हमारे छत्तीसगढ़ में। नीचे देखो जो जितना चाहे उतना पानी यूज कर सकते हैं। एंटर कर लिया है हमने भाई, गाना पेड़ से ना मस्त पत्ते गिरते रहते, बहुत ही अच्छा लग रहा था यार। अरे जो मूवी वाला सीन होता है ना वैसे ही फील हो रहा था। चलो सबसे पहले आपको केदारनाथ करके जगह वहाँ ले जाता हूँ, जहाँ पे ना एक शिवलिंग जो निकला हुआ पहले बताया था ना, बहुत ही बड़ा हुआ है भाई, वो बड़ा होते ही जा रहा है। ये गरियाबंद का बस स्टैंड है भाई साहब, देख लो गरियाबंद भी जिला है गरियाबंद। अरे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा भाई। भूतेश्वर आई थिंक राइट से जाते हैं, चलिए भूतेश्वर नाथ जी की, मतलब क्या तो लिखा है भूतेश्वर नाथ धाम में आपका स्वागत है। ओके टूरिस्ट लोग आए क्या सर? जय बजरंगबली, जय माता दी। फाइनली हमारे भोलेनाथ जी के पास अपन पहुंच गए। सर गाड़ी अंदर डाल सकता हूँ क्या? देख के तो नहीं लग रहा। गाड़ी लेकर रख दो, बनी क्या बन गई क्या? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेला टाइप। पहले हम लोग जब आए थे ना तो इतना सब चीज़ तो नहीं बना हुआ था। मैं आया था यहाँ 3 साल पहले, तब तो ऐसा वैसा इतना वो नहीं था। ये देखो भाई, अरे बाप रे बंदर बजरंगबली। पता नहीं निकला कब था वैसे, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन ना जब से निकला है ना, एक शिवलिंग भगवान का वो माना जाता है कि जहाँ भी शंकर भगवान निकलते हैं इसी रूप में निकलते हैं, इतना बड़ा हो गया भाई साहब देखो यार। तो इसी बात पे भाई साहब बोलो जोर से शंकर भगवान की जय, जय महादेव। आज छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत ही सारे ऐसे जगह हैं भाई, धीरे धीरे डेवलप होता है सब चीज़। स्टार्टिंग में ना ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे, मंदिर अंदिर कुछ भी नहीं बना था ना, धीरे धीरे सब बना है, बहुत दूर दूर से आते हैं। कैमरा के बीच में कुछ आ गया था, अब भी जस्ट देखा, अब देखो कितना मस्त लग रहा है, मज़ा ही आ गया है। तो तैयार है सब, प्लीज़ देखते जोर से बोलिएगा कि जय शंकर भगवान की जय। भाई साहब जब ना मैं बचपन बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा था, तब से देखते आ रहा हूँ ना, मतलब मेरे से भी छोटे हाइट का था, ये छोटी बच्ची दिख रही है ना उससे भी छोटा था, फिर बहुत बड़ा हो गया भाई। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे मतलब कि देवी देवता है, जिनका मतलब वाकई पता चलता है कि इस दुनिया में ना हमारे भगवान देवी देवता विराजमान है, सही एकदम सच्चाई वाला, मतलब बहुत ही क्या बोल सकते हैं, ऐसे ऐसे रूप में मतलब वो लोग निकलते हैं ना कि हमको पता चल जाता है। चलो आगे चल के दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा है भाई, सब लोग बाहर बाहर से बहुत दूर दूर से आए। लिखे का अरे जय शंकर भगवान, कमेंट में जय भोलेनाथ लिख देना, क्योंकि भगवान के सामने अभी मैं खड़ा हूँ लेकिन इनडायरेक्टली भगवान आपको देख रहे प्लीज़, ताकि ना भगवान का आशीर्वाद आप सब पे बने रहे, मैं चाहता हूँ इसीलिए भगवान के पास आया हूँ, जो जो भी नहीं आ पाते ना उन सब के लिए। ठीक है भगवान, जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं भाई साहब, सबको आशीर्वाद देना, जय शंकर भगवान की जय। आप हमारे सबके फेवरेट बजरंग बली जी का भी मंदिर है भाई, पहले जब आया था ना तो बस शिवलिंग ही निकला था एक ठाना, पूरा मंदिर सब चीज़ बन गया, तो जय बजरंगबली। देखो धीरे धीरे ना
मतलब जहाँ यहाँ भी बनता है ना बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाता है भाई। पहले यहाँ से कुछ भी नहीं होता था, उसके बाद ना धीरे 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 बहुत ही मतलब अच्छा खासा पर्यटन स्थल टाइप बन जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चलो एक बार और दर्शन कर लो, उसके बाद निकलते हैं भाई। रुको सामने से ही दिखा देता हूँ एक बार और। हाँ बहुत दूर दूर से आते हैं हम सब लोग देखने के लिए, बहुत ही अच्छी जगह है। और आप लोग ऐसे बोल रहे होगे कि इतना बड़ा पत्थर वस्तु निकला कौन ऐसा मानेगा, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी मान्यता होती है ना कि पता चल जाता है। ठीक है चलो फिर मिलते हैं सीधा गाड़ी में। ओके चलो चलते हैं घर की ओर। टाइम भी ऐसे हो गया, 3 तो बज ही गया, जाते जाते अपने को बज जाएगा, 8 तो बज ही जाएगा, क्योंकि अपन मस्त आराम से जाएंगे अब। और कोई लोकेशन कवर करेंगे कि नहीं ये तो नहीं पता, देखते हैं। चलो ये छोटा बच्चा लेने के लिए, अरे भाई फुटबॉल ले लिया है। ओहो उसके सर जिसका बड़ा सर है उससे बड़ा। जब भी आपका भाई रास्ते से गुजरेगा आपको समझ में आ जाएगा कि आपका भाई गुजर रहा है। ओहो अरे बाप रे, हाय हाय, पहली फुर्सत में निकल। ये ले लिया है भाई साहब बदक। उफ तो चलो भाई साहब अब सीधा घर चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे अच्छा लगे। चलो और कहीं पे खाते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद अपन घर चलते हैं। चलो गुड बाय बोलने का टाइम आ गया, इतनी दूर हम लोग आए थे। जिसका भी विश होगा प्लीज़ भगवान को देख के थोड़ा अपना विश मांग लेना, ताकि सब चीज़ सही हो जाए आपकी ज़िंदगी में। मैं भी यही चाहता हूँ कि सबकी लाइफ बहुत ही खुशियों से भरी रहे और सब बहुत ही अच्छे से खुश रहें भाई। हर हर महादेव। चलो चलें फिर। कहाँ करो यार, अरे बढ़िया। अरे चैनल सब्सक्राइब कर दो जी। अरे इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे। आओ आओ वीडियो माओ सब जन। ओ भाई साहब इन लोग का एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही बढ़िया था। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे मतलब ऐसे लोग मिलते हैं। तो फिर मेरे भाई लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मेरे को एक बात याद आया कि वो लोग वो बेचारे ऑटो वाले भैया और बच्चे लोग थे ना, मेरे को देख के ही वो लोग वेट कर रहे थे। बहुत टाइम से खड़े थे और मेरे को देख रहे थे। मेरे को लगा वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत टाइम से मेरे क्यों देख रहे हैं ऐसा मतलब लग रहा था मेरे को। तब मेरे को बाद में समझ आया कि वो लोग मेरा वेट कर रहे थे भाई वीडियो में आने के लिए। बहुत बढ़िया भाई, तुम लोग वीडियो में आ गए, जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। ठीक है बोला है ना तू सब्सक्राइब किया हूँ करके, तेरे को ही बोल रहा हूँ मैं। ओ वो 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 छोटा सा मुर्गी भाई साहब। चलो यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। वाओ भाई ऐसा मतलब लोकेशन को एंजॉय नहीं किया ना लाइफ में, तो फिर भाई साहब आपने कुछ भी नहीं किया है, कसम से बता रहा हूँ। एक और ख़ास बात बताऊँ इस जगह की, देखो ये जो बड़ा सा पुल है ना, ये जो पुल है उसके उस साइड अपन धमतरी जिला है जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है ना धमतरी वहाँ का हूँ मैं। और जस्ट पुल के इस पार बोल सकते हैं अपन, इधर वो है गरियाबंद जिले के अंदर में आता है, समझ रहे हो। मतलब जस्ट अभी मैं बॉर्डर में खड़ा हूँ, गरियाबंद और धमतरी जिले के बीच में खड़ा हूँ मैं। बाकी लोकेशन तो आप देख ही रहे, बहुत ही तगड़ा है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया यार। तो चलो चलते हैं, भूख लग रही थी मेरे को बहुत ज़ोर से, लेकिन सोचा कि आप सबको बता दूं जब मैं यहाँ आया हूँ। ये ब्रिज भी बहुत ही बढ़िया लगता है और इधर जब पूरा पानी भरता है ना भाई बहुत ही अच्छा लगता है। चलते हैं
तो चलो भाई साहब आप सीधा घर चलते हैं। नहीं मेरा घर इधर है, घर नहीं जाऊंगा नहीं, फिर घर वाले मेरे को मार पीट के निकाल देंगे मेरे घर से। अपन चलेंगे वापस भिलाई, सिंगरा पगार जलप्रपात। वैसे इधर पानी नहीं हो गया यार, अभी जाना सही है कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो कहीं पे किसी तो किसी पूछ लेते हैं हम लोग, अगर पानी होगा करके बताएंगे ना तब हम लोग चलेंगे। कोई ना कोई अंकल तो होगा ही भैया। अभी पानी हुई कि नहीं होगा, अभी पानी हुई कि नहीं हुई नहीं है जाके कोई मतलब नहीं है, वही लोग पूछ लेते होते हैं। अच्छा हाँ ठीक भैया धन्यवाद, यही सही है क्योंकि अपन पानी वाले इलाके में जाएंगे और अपने पानी ही नहीं मिलेगा तो फिर मतलब ही क्या है, है ना। तो चलो सीधा खाने चलते हैं थोड़ा सा यहाँ, लेकिन मैं ज़रूर लेके आऊँगा भाई, जब बरसात का दिन होगा ना तब लेके आऊँगा। बहुत ही तगड़ी जगह है सिंगरा पगार, अगर नहीं है तो फिर प्लीज़ आप कहीं से मत लेके रहना क्योंकि आपका भाई बहुत ही अच्छे से आप सबको दिखाने वाला है। जल्दी दिखाऊँगा जब बारिश होगी तब, एक साल बाद, सॉरी 6 महीने बाद। ये दोनों पेड़ लगता है एक दूसरे के एकदम प्यार में पागल हो गए हैं भाई, देखो 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 ऊपर में मिल रहे हैं। एक पेड़ एक दूसरा पेड़, वाह। राजीव, तो आखिरकार अपन राजीव पहुंच गए हैं भाई। यहाँ से रायपुर है अप्रॉक्स, रायपुर बोलता हूँ यार, अभनपुर। पहले अपन लोग अभनपुर जाएंगे फिर रायपुर जाएंगे। अभनपुर मान के चलो 18 या 19 किलोमीटर कुछ होगा। क्या हो गया मेरे को लगा गाड़ी हटाओ बोल रहा हूँ। हाँ कोई नहीं, क्या हो गया। अच्छा आपका चैनल है क्या? हाँ हो गया, तो सी जी हेल राइडर कर दो। हाँ कैसी आप उधार नहीं रहे लेकिन क्या थी शकल? नहीं मैं तो शकल भी नहीं दिखा हूँ ना, मेरा शकल सुअर जैसा है। हाँ अभी भूतेश्वर गया था इधर ही। अच्छा हाँ आएगा ना, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आओगे साथ मान लो ना आप तुरंत। बिल्कुल बिल्कुल ऑन है क्या कैमरा? ऑन है ना, लो ना आप साथ मान लो, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा एक नंबर। ओके ओके अच्छा बिल्कुल भैया मनीष कुमार। अरे हाँ 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 वही साइड का, बढ़िया बढ़िया ठीक है। मैं तो नगरी कहूँ जी, सियावा नगरी। अरे बाबा अच्छा हाँ अच्छा, दस सीधी हेयर राइडर करके कर ले तुरंत। कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ साले, मैंने कुछ पूछा? ओ मेरे को लगा वो गाड़ी आगे बढ़ाने बोल रहे हैं। हाँ लेकिन गाड़ी आगे बढ़ाने भी बोल रहे थे, लेकिन ये भी कुछ ऐसे चैनल यूट्यूब चैनल। ओ बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगता है हर ऐसा जब पूछते हैं तो। थैंक यू भैया, आप अगर वीडियो देख रहे हो तो फिर आप आ गए हो भाई वीडियो में, ठीक है। अब अपन फिर से खाना खा लिया हूँ मैं, वैसे सबको पता है कि मैं खाते हुए नहीं दिखाता हूँ, अगर खाते हुए दिखाऊंगा तो फिर पहला वाला ही लॉजिक है कि सबको लालच आ जाएगी, इसलिए मैं खाते हुए कभी नहीं दिखाऊंगा। क्या खाया वो भी आपको पता नहीं चलेगा, देखो बस ग्रेवी है। तो चलो सीधा गाड़ी मिलते हैं, अभी रायपुर में हूँ मैं, सीधा गाड़ी मिलते हैं, चलो लेट्स गो। ओह तो भाई साहब पचपड़ी के पचपेड़ी नाका, इधर सतना नली लेफ्ट, अब सीधा चलेंगे अपन भिलाई भाई। ओहो तो चलो आज का व्लॉग बस यहीं पे एंड करते हैं, अपन भिलाई पहुंच चुके हैं। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बहुत अच्छा सा प्यारा सा अपना कमेंट छोड़ के जाना भाई प्लीज़। चलो मिलते हैं किसी और अच्छे से नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।